जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने प्रदेश में बने अतिवृष्टि और बाढ़ के हालातों पर शिवराज सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन मुआवजा कब देंगे और कितना देंगे ये नहीं बता रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भाजपाइयों के आरोप का जवाब देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनके नेता अतिवर्षा और बाढ़ पीड़ितों के बीच जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन मुआवजे की घोषणा करने से बच रहे हैं। कल ही गए थे हम लोग पूरा कोलार पे, दिग्विजय सिंह जी भी गए थे, हम भी गए थे, परसों भी गए थे, रोज जा रहे हैं। और गाँव में जो हमारे कांग्रेस के जो विधायक हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, सब जा रहे हैं। लेकिन गए वो तो ठीक है, लेकिन अभी तक किसी को मुआवजा मिला क्या? जितनी फसल नष्ट हुई है, जितने लोग आज बर्बाद हो गए हैं इसमें बाढ़ में, उनको अभी तक मुआवजा एक भी आदमी को नहीं मिला है। जब तक जेब में पैसे नहीं आएंगे सब बेकार है। दरअसल पीसी शर्मा शिवराज के दौरे से पहले कोलार गए थे और वहाँ की जनता से बारिश को लेकर हुए नुकसान की बात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।